हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मनीष कुमार, वेलकम टू सीएमपी ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। टेंस के बारे में मैं पढ़ा रहा था, जिसमें आप पहला डिफिनेशन प्रेजेंट टेंस का मैंने दिया था, जिसका पहला भेद था सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो चुका था। तो आज जो है उसका एग्जाम्पल के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए तो जानते हैं, बनाइए। जैसे गाय दूध देती है। दूसरा, गाय दूध देती है। तीसरा, राम और श्याम पढ़ते हैं। चौथा, मेरे भाई लोग खेलते हैं। पांचवा, सूर्य पूरब में उगता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, बनाइए। मैं इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ कैसे बनेगा। आप लोग को पिछले क्लास में भी इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताए थे, आज भी बताने जा रहे हैं फिर से, ताकि रिवीजन हो जाए। चलिए, इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबको मालूम होगा क्या है। चलिए देखते हैं क्या है इसका स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सकारात्मक वाक्य, तो हम लोग ने क्या पढ़ा था स्ट्रक्चर में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, आगे अदर वर्ड भी दे सकते हैं। हमारा स्ट्रक्चर यही है, अफर्मेटिव रूल का स्ट्रक्चर है हमारा ये, ठीक है? अफर्मेटिव रूल का स्ट्रक्चर है। अब हम इसी के अनुसार इसको बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट का मतलब सबको पता ही होगा क्या होता है, कर्ता होता है। कर्ता का मतलब जो कोई कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे आप लोग हमारा वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप लोग हो गए कर्ता हो गए, ठीक है? भर्व क्रिया, आप लोग देखने का काम कर रहे हैं, वीडियो देखने का काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक काम हो गया, वो भी एक काम हो गया। जो काम करते हैं उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। क्रिया का पहला रूप किस में लगता है, क्रिया का पाँचवा रूप किस में लगता है, ये हम पिछले क्लास में आपको बता दिए, आप जो है पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसको बोलते हैं क्रिया। और ऑब्जेक्ट का मतलब आप लोग तो जानते ही हैं, वस्तु होता है, वस्तु प्लेस। चलिए अब देखते हैं इसमें, गाय दूध देती है, तो गाय है तो गाय, इसमें सब्जेक्ट कौन है, कौन दूध देती है, तो गाय दूध देती है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, दूध देने का काम कौन कर रहा है, गाय। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया गाय, तो गाय का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, करता। इसका हिंदी में क्या, इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको काव बोलते हैं, द काव, द काव। अब पूछिएगा कि द कैसे लगता है, कोई भी जानवर या जीव जंतु के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ये हम आपको आर्टिकल्स में बताएंगे। तो अभी द काव, ठीक है? ये हमारा तो गाय का काम हो गया, हमारा सब्जेक्ट का काम हो गया। अब हमारा क्या है यहाँ, क्रिया। क्रिया क्या हो रहा है, मतलब दूध देने का काम कर रहा है ना। तो इसमें जो दकाव के अनुसार हम तो बोले थे सब्जेक्ट ही सी इट और नाम के साथ जो है क्या लगेगा, क्रिया का पांचवां रूप लगेगा, गाय। गाय भी तो एक जीव जंतु का नाम है ना, तो गाय पालतू जानवर का नाम है, ठीक? तो क्या हो जाएगा, इसमें क्रिया का पहला रूप लगेगा या पांचवा रूप लगेगा, बताइए आप लोग। इसमें ऑब्वियसली जो है क्रिया का पांचवां रूप लगेगा, ठीक है? तो देना का क्या हो जाता है, गिव होता है, जी आई भी ई, गिव होता है। इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा। द काव गिव्स, क्या देती है, वस्तु, कोई भी तरल पदार्थ है तो ये भी तो वस्तु ही आ गया ना,
तो दूध का क्या हो जाता है? मिल्क। द काउ गिव्स मिल्क। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट, दूसरा नंबर पे आते हैं। गाय दूध देती है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां गाय दूध देती है, यहां गाय दूध देती है, तो बहुत सारा गायें हो गया। ये हमारा क्या हो गया? प्लुरल हो गया। प्लुरल का मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा हो गया। एक से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? बहुत सारा है तो को काउज हो जाएगा ना, काउज। बहुत सारा गाय है, काउज हो जाएगा। अब बहुवचन हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताए भी थे, याद करने के लिए भी बोले थे कि ही से किस में आई वी दे यू और प्लुरल बहुवचन के साथ क्रिया का पहला रूप लगता है। क्या लगता है? क्रिया का पहला रूप। क्या कर रहा है इसमें क्रिया? क्या हो रहा है? गाय जो है दूध देने का काम कर रही है, तो देना हो रहा है क्रिया। क्या हो जाएगा? काउज गिव्स होगा या गिव होगा? गिव होगा। एस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि गाय है, बहुत सारा गाय है, बहुत सारा गाय है, तो इसमें क्रिया का पहला रूप लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? काउ गिव मिल्क। चलिए अब नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। राम और श्याम पढ़ते हैं। हमने बताया था ही सी इट और नाम के साथ एस या एस का प्रयोग किया जाता है, मतलब क्रिया का पांचवा रूप लगता है। लेकिन इस स्थिति में देखिए क्या है, यहां राम और श्याम दो नाम है, तो दो नाम है तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। तो बहुवचन में हम लोग क्या बोले थे? क्रिया का पहला रूप लगेगा बहुवचन में, इसीलिए चलिए राम और श्याम। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम और श्याम। सबसे पहले सब्जेक्ट का काम करेंगे ना हम लोग, तो सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है? राम और श्याम। तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश? राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें क्रिया का पहला रूप लगेगा या पांचवा रूप लगेगा, ये तो आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि राम और श्याम दो व्यक्ति हो गए, दो व्यक्ति हो गया तो बहुवचन हो गया, तो बहुवचन में क्रिया का पहला रूप लगता है। क्या लगता है? क्रिया का पहला रूप। तो क्या हो रहा है? क्रिया इसमें क्या हो रहा है? क्रिया जो है क्या हो रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है ये, तो क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम रीड, रीड होगा या रीड्स होगा? ऐसा तो लगेगा नहीं, क्योंकि बहुवचन है, रीड हो जाएगा। अब नेक्स्ट चौथा सवाल में आते हैं हम लोग। मेरे भाई लोग खेलते हैं। ठीक है, मेरे भाई लोग, तो माई, हम ये भी बताते ही सी इट और माई भी रहेगा, तो उस स्थिति में क्रिया का पांचवा रूप लगेगा। ठीक है, ऐसी यस लगेगा। लेकिन मेरे भाई लोग, बहुत सारा मेरे भाई लोग, मतलब एक भाई तो नहीं है, मेरे भाई लोग चार पांच, मतलब एक से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर्स हो जाएगा, बहुत सारा भाई है, तो मेरे का तो माई होता है, सब्जेक्ट हमारा ये होगा ना, पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हमारा माई, मेरे का क्या होता है? माई होता है। अब भाई लोग है, बहुत सारा भाई है, क्या हो जाएगा? ब्रदर्स हो जाएगा। ठीक है, माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब इसमें जो है क्या हो रहा है, क्यों लगा एस? क्योंकि मेरे भाई लोग है, बहुत सारा भाई है, इसीलिए एस लग गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्रिया क्या हो रहा है। क्रिया मतलब, क्रिया का मतलब कोई काम। ठीक है, ये मेरे भाई लोग क्या चीज कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? खेलना हो जाएगा। अब इसमें क्रिया का पहला रूप लगेगा या पांचवा रूप लगेगा? हम आप लोग को बताए थे बहुवचन के साथ क्रिया का पहला रूप लगेगा, तो माई ब्रदर्स प्ले हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट फाइव नंबर्स में आते हैं। ठीक है, अब क्या है? सूर्य पूर्व में उगता है। तो कोई भी आकाशीय पिंड रहता है, तो उसके आर्टिकल्स में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आर्टिकल्स पढ़ाया जाएगा आप लोग को। उसमें जैसे सूर्य है, सूर्य एक पृथ्वी का गोला है। ठीक है, उस स्थिति में मतलब सूर्य का आकाशीय पिंड या कुछ भी जो है डायरेक्शन, ये सब में जो है क्या, द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या लग जाएगा? द सन, द सन। उगना, उगना का क्या होता है? राइज होता है। क्या होता है? राइज, मतलब क्या कर रहा है सूर्य का काम क्या है, क्या क्रिया क्या कर रहा है? वो उगने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? राइज। ठीक है, क्या होगा? राइज। अब इसमें ICAS लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि ये भी एक आकाशीय पिंड का नाम है, नाम के साथ ICAS मतलब क्रिया का पांचवा रूप लगता है। ठीक है, तो द सन राइजेस, कहां उग रहा है? पूर्व में उग रहा है, तो क्या हो जाएगा? इन, में का इन हो गया, और कोई भी दिशा के नाम के पहले ये भी द का प्रयोग किया जाता है, इन द ईस्ट।
आज के वीडियो में इतना ही। अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया हमारा एग्जांपल 5। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग निगेटिव सेंटेंस के 5 एग्जांपल को पढ़ेंगे, रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।